नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर तस्करों के लिए सेफ रूट बनता जा रहा है। यहां कुछ ऐसा हुआ है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। दरअसल सोनौली बॉर्डर से 3 चरणों में 10 घंटे के भीतर चरस की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिससे सभी हैरान हैं। जी हां, SSB व नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग की टीम ने 119 किलो चरस यानी लगभग 90 करोड़ चरस के साथ 5 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 अलग-अलग स्थानों पर हुई कार्यवाही में पकड़े गए आरोपियों में 4 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक है। सभी चरस लेकर दिल्ली जा रहे थे। आपको बता दें कि SSB 22वीं एवं 66वीं विहीनी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में टीम सोनौली मुख्य सीमा सहित कोतवाली क्षेत्र के पगडंडियों पर निगहबानी तेज कर दी। सुबह करीब 5 बजे शाम काट बगीचे के पास नेपाल की तरफ से एक युवक आता दिखा। टीम के रोकने पर वो भागने लगा। जवानों ने दौड़ा कर उसे पकड़ लिया। उसके झोले की तलाशी लेने पर 9 किलो 898 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राम बहादुर खत्री निवासी दांग नेपाल बताया है। साथ ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सतर्क और सघन जांच के बाद भी इतनी बड़ी खेप बरामद होने से अब सवाल भी उठ रहे हैं, जिसे लेकर ये बॉर्डर चर्चा में आ गया है। पहले भी इस बॉर्डर का प्रयोग डी गैंग के गुर्गे धड़ल्ले के साथ करते थे। छोटा राजन से लेकर मिर्जा दिलशाद बेग, म्यूजिकल डायरेक्टर गुलशन कुमार की हत्या करने वाले परवेज टांडा जैसे आतंकी और कई बड़े माफिया भी इसी बॉर्डर का इस्तेमाल कर नेपाल में शरण लेते रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सीमा हैदर भी इसी रास्ते से नोएडा तक पहुंच गई थी। अब ये बॉर्डर लोगों के सवालिया निशाने के घेरे में आ गया है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहे TV24।